Hello guys, this is my new YouTube channel. It's me, Momang Darang, and this is my second blog. और आज की ब्लॉग इतनी खास नहीं, पर मैं आप लोगों को घर में बैठे बैठते कुछ बना के दिखाना चाहती हूँ. दैट इज सिल्क वर्म, और हम लोग का अपना लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, सीपिया कपड़ी. सो मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी कि सिल्क वर्म अपनी तरीके से मैं कैसे बनाती हूँ. और उससे पहले मैं अभी अपनी बुआ के घर जा रही हूँ सिल्क वर्म लेने, और वहाँ से वापस आके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से बनाने मैं किस तरह से बनाने जा रही हूँ और किस तरह से बनाए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी. हेलो दोस्तों, मैं अभी रास्ते में हूँ, बुआ के घर की ओर जा रही हूँ. और बुआ के घर पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ सिल्क वर्म. दोस्तों, मैं अभी बुआ के घर पहुंच गई हूँ, और अभी दिखाती हूँ कि घर में कौन कौन है. देखिए, यहाँ मेरी मम्मी है और मेरी दादी माँ है, और ये दोनों सिल्क वर्म. ये है सिल्क वर्म, आप देखिए, ये है सिल्क वर्म. और हम लोग आदि में इसको क्या कहते हैं, सीपियक टपुन. तो मैं अभी आपको इसको बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं बनाती हूँ और उसका टेस्ट कैसे आता है. हेलो गाइस, मैं अभी घर आ गई हूँ, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि किस तरह से पकाना है बोल के. तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप सिल्क वर्म को लेके बॉईल करना है, इतना नहीं, थोड़ा बॉईल करना है, हाफ बॉईल ना. उसका बाद आप हाफ बॉईल के बाद मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से और नेक्स्ट स्टेप होता है. सो गाइस, हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है. यहाँ पे क्या है, ये प्याज है, और ये जो चिल्ली है ग्रीन चिल्ली, और ये जो जिंजर है, अदरक आदि में हम लोग को क्या बोलते हैं इसका अपना लैंग्वेज में, ताकिंग ताकिंग बोलते हैं. और ये जो धनिया है, लोकल धनिया, इसको क्या बोलता है हम लोग अपना लैंग्वेज में, औरी पत्ता. ये हो गया. और इसके बाद ये जो पहले सिल्क वर्म दो टुकड़ा करके यहाँ पे बीच से टुकड़ा करके इसको अभी हम लोग बनाते हैं. और फर्स्ट में आप कढ़ाई को गरम करना है. गरम करके यहाँ पे ऑलरेडी गरम होने के बाद मैंने इसमें वो रख दिया, ऑयल डाला है. तो अभी मैं पकाऊंगी कि किस तरह से इसको पकाना है. तो गाइस, अभी हम बनाने जा रहे हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, डालते हैं कि प्याज. प्याज इसके बाद हल्दी, और ये हल्दी और मीट मसाला. और इसके बाद डालते हैं ग्रीन चिल्ली. इसके बाद थोड़ा मिक्स करेगा. और इसके बाद नमक. थोड़ा मिक्स करेगा. और अभी आप डाल सकते हैं ये सिल्क वर्म. Thank you.
को अच्छे से मिक्स करना है इसे। और इसके बाद अभी आप थोड़ा थोड़ा मिनट के लिए आप इसको बंद करके रख दीजिए ऐसा। गैस अभी हम लोग यहाँ में लास्ट है अदरक डाला है धनिया जो, इसके बाद हम लोग थोड़ा एक दो मिनट के बाद इसको निकाल देगा, हो जाएगा ये थोड़ा बंद करके रखेगा। गैस आप गैस में भी पका सकता है, लेकिन मम्मी ने बोला कि आग का सबसे अच्छा होता है बोल के, जो भी चीज़ आप आग में पकाओ तो यहाँ का टेस्ट अलग होता है और सबसे अच्छा होता है बताया, इसलिए मैंने आग में पकाया है। गाइस अभी हो गया, हम लोग का सेल गुआम का पकाने वाला हो गया, अभी पक गया तो देखिए अब यहाँ में वाह बढ़िया अच्छा स्मेल आ रही है, तो आप इसको अभी निकाल सकते हैं। इसको आप निकाल सकते हैं। और अभी हम लोग कैसे बना है इस ये कैसे बना है इसको अभी हम लोग खाने के लिए, मेरा मम्मी और मौसी लोग बैठा हुआ है, उसको अभी हम देगा और पूछेगा कि कैसे बना है होगा। अभी मेरा बनाने वाला को पूछता है कि आपको कैसे लगाता है? तो बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। यका आपको यका सिंह कैसे लगा? बहुत टेस्टी है। और यह आपको कैसे लगा? बढ़िया बढ़िया लगा। और ये मेरा पप्पी, ये मेरा पप्पी नाम है फेसबुक इसका। तो गाइस सबको अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा बोलते हैं, तो मेरा आज का रेसिपी यही है। सो गाइस आपने देखा कि मैंने किस तरह से रेसिपी बनाया है और किस तरह से कंप्लीट किया है, तो आप भी ऐसे बना सकता है। मैंने सिंपल बनाया है लेकिन टेस्टी है, तो आप भी बना सकता है। मैंने मेरा ये बनाने वालों को देखे आप अगर अच्छा लगा तो आप भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट इस तरह हम लोग का ब्लॉग यही ख़त्म होता है आज, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर ज़रूर मिलेंगे। और आप अगर मेरा चैनल नया देख रहे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके तो बाय बाय।